Welcome all on my YouTube channel Biology Village, and today we are going to discuss a blue green alga, and this alga is important for the Uttar Pradesh PGT and TGT and GIC examination for the biology lectures. So guys, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, ग्लियोट्राइकिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा मिक्सोफाइसिन एल्गी भी बोलते हैं इन्हें, और इनके अलावा इन्हें प्रोकैरियोटिक एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज सिंगल वन ग्रुप ऑफ दी एल्गी विच इज प्रोकैरियोटिक। मतलब बाकी जो ग्रुप्स हैं वो यूकैरियोटिक्स हैं, एंड साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं मिक्सोफाइसिन एंड साइनोफाइसिन आर प्रोकैरियोटिक एल्गी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस ग्रुप ऑफ एल्गी आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आवर प्रिमिटिव रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, एंड दिस फैसिलिटेट द ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन दिस वंडरफुल प्लेनेट दैट कॉल्ड अर्थ। एंड दिस नेम ग्लाइकोट्राइकिया, गाइस जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, मीनिंग होता है इसका ग्रीक टर्म है ये, और ग्लू का मतलब होता है ग्लू, मतलब चिपकने वाला, हेयर्स का मतलब, थ्रिक्स का मतलब हेयर, चिपकने वाले जो हेयर्स होते हैं वो मतलब होता है। और उसमें होता क्या है, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं ट्राइकोम्स, वो चारों तरफ से विस्कस म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स से कवर होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं लाइक दैट, बहुत सारे इसके फिलामेंट्स, और इनके चारों तरफ क्या होता है, म्यूसिलेजनस की कवरिंग्स होती है, एंड दैट मेक ए कॉलोनी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ ए कॉलोनियल ब्लू ग्रीन नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा भी है ये, मतलब नाइट्रोजन फिक्स करता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, फिलामेंटस कॉलोनी, मतलब पहले फिलामेंट्स होते हैं फिर कॉलोनी बना लेता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है गाइस, कहाँ पाया जाता है, मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बट एक स्पीसीज है इसकी ग्लियोट्राइकिया इकाइनिलेटा जो कि फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में ग्रो करता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जो एस्चुरीज में पानी पाया जाता है, एस्चुरीज का मतलब होता है मुहाना, वेयर रिवर ड्रॉन इन द ओशियन, दैट इज नोन एज एस्चुरीज, एंड देयर वाटर इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। इट इज नॉट हैविंग साल्ट लाइक द ओशियन वाटर, मतलब मरीन वाटर, एंड मोर साल्टी देन फ्रेश वाटर। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे इसके एक सिंगल लाइन डेफिनेशन के बारे में कि थैलस कैसा होता है, ब्लू ग्रीन जैसा कि साइनोबैक्टीरिया है, और उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया वाले प्रोकैरियोटिक है, तो वही कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, क्या होता है प्रेजेंट, जिलेटिनस सीथ पाई जाती है जो कि इसके नाम से क्लियर होता है म्यूसिलेजनस लेयर। ठीक है गाइस, म्यूसिलेजन मतलब मिक्सोफाइसिक मेंबर है, तो ये तो होना ही है इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड ऑल्सो अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनल लाइक प्लास्टेड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसमें अब्सेंट होते हैं। निक नेम या कॉमन नेम क्या है गाइस, स्पाइडर सिल्क एल्गा। क्यों ऐसा है, क्यों गाइस, इसकी जो कॉलोनी है उसकी कॉलोनी में जो एक फिलामेंट्स है, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर फिलामेंट ट्राइकोम की जो लेंथ और उसका जो डायमीटर होता है, वो जो स्पाइडर होती है मकड़ी जो सिल्क बनाती है उसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब 2 to 5 माइक्रोमीटर, सो इट इज़ नोन एज स्पाइडर सिल्क एल्गी। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस सिस्टमेटिक पोजिशन, एंड जैसा कि आप जानते हैं गाइस, प्लांटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब किंगडम थैलोफाइटा, मतलब कोई रूट सूट का डिवीजन नहीं होता है, साइनोफाइटा है तो स्पेशल क्वालिटी आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक एल्गीज, नास्टोकिल जो इसका ग्रुप होता है जिसमें आपके आपका हार्मोगोनिया, हेट्रोसिस्ट और एकाइनिट का वो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोगोनिया, ठीक है, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एंड फैमिली ग्लियोट्राइकेसी, और मेंबर कौन सा है हमारा जो डिस्कस करेंगे आज हम, ग्लियोट्राइका। स्पीसीज कॉमन जो है गाइस, इकाइनिकुलेटा, इकाइनुलेटा एंड पाइसम, वेरी कॉमन स्पीसीज, ये दोनों स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स, ठीक है, ब्लूम्स बनाने के लिए। इकाइनेटा कहाँ पाया जाता है, लो न्यूट्रिएंट लेक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, ओलाइगो ट्रॉफिक लेक। अब हम डिस्कस करेंगे इसका थैलस कैसा दिखता है, देखते हैं गाइस सिंगल व्यू में लाइक दैट ओरिजिनल व्यू, फिर अगर इसका इस तरीके से देखें तो जिलेटिनस सीथ चारों तरफ, और इसकी जो रेडिएटिंग फ्लामेंट, जो इसके फ्लामेंट हैं वो रेडिएट करते हैं कॉलोनी के इनसाइड,
अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर फिलामेंट तो इस तरीके से दिखता है, ये देख सकते हैं। एक एलगी का एक सिंगल फिलामेंट देखें तो हम इस वाले को व्यू कर सकते हैं गाइस। सबसे जो टिप होती है ये आपका क्या हाइड्रोसिस्ट है, उसके जस्ट बाद एक आइनिड्स होता है, उसके जस्ट बाद आपकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, उसके जस्ट बाद ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहाँ पर ग्रोथ होती है, और उसके टिप पे गाइस क्या होते हैं सिंगल यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसका पूरा ट्राइकोम देखें तो वो कैसा होता है, हाइड्रोथैलिक टाइप का होता है, जैसे बोलना हाइड्रोपोलिक, मतलब एक इसके एंड पे हाइड्रोसिस और दूसरे एंड पे क्या होते हैं हेयर्स पाए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम एक और थोड़ा सा व्यू देखना चाहें तो इस तरीके से गाइस पाया जाता है, ये देखिए हाइड्रोसिस्ट हो गया, ये एकाइनिट हो गई, एलोंगेटेड ये आपका राउंडेड हाइड्रोसिस्ट, और इसके बाद ये जो है रीजन होता है इसके ऊपर जिलेटिनस कवरिंग भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ कुछ हम यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। सिंपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमें बहुत सारी लिस्ट पता होना चाहिए कौन कौन से एल्गी, जैसे हम तो बस दो तीन जानते हैं, एस्टेलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, बहुत अगर पता हो गया तो स्काइटोनीवा, बट यहाँ पर एक वेरी लॉन्ग लिस्ट जिसमें आप देख सकते हैं गाइस रिबुलेरिया, रिबुलेरिया की बात बता दूँ ये बहुत ही मतलब क्लोज रिलेटिव टू दी ग्लेक्योट्राइकिया। इसके अलावा कैलोथ्रिक्स, टोलिपोथ्रिक्स, बोलिया, डोलिकोस्पर्मम, माइक्रोसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि एल्गल ब्लूम बनाने वाला सबसे अबंडेंटिग एल्गा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में वो माइक्रोसिस्टिस होता है गाइस। इसके अलावा ट्राइकोडेस्मियम जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द ओशियंस, एंड नूडुलेरिया, अब देखिए सिलेंड्रोस्पर्मम भी होता है ये देखिए, और ये सिलेंडोस्पर्मोसिस भी होता है। ठीक है कैसे ये नाउ अगर बहुत ही जो क्लोज रिलेटिव है वो कौन सा है, तो वो रिबुलेरिया को माना जाता है कि मार्फोलॉजिकली लुक लाइक टू ग्लाइकोट्राइकिया टाइप। नाउ हैबिटेट, एक लाइन में हम पहले बताया आपको कि फ्रेश वाटर जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कैसा है, फ्रेश वाटर। नाउ इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन्स असेंबलीज, मतलब बहुत बड़े ग्रुप में पाया जाता है, और अपनी चारों तरफ की जो कम्युनिटीज होती है जो उसके सर्वाइवल, उसके बायोमास, उसके रिचनेस, उसकी डाइवर्सिटी के लिए बहुत काम करता है। कहने का मतलब ये पूरा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर होता है, ये अपने सराउंडिंग के जो भी प्लैंक्टोनिक्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है और उन्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट रिच लेक में भी पाया जाता है, तो इट कैन फाउंड इन डेंस ब्लूम, ठीक है, यूजली इन एसोसिएशन विद अदर प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया, ऑल्दो देयर आर सम मोर देन वन स्पीसीज ऑफ ग्लूकोट्राइका इज मोस्ट कॉमन इन द फाउंड टॉक्सिक साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स इन ग्लाइकोट्राइका एक्विनोटा। देखिए ये टॉक्सिक वाली है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो तो जनरल साइनोबैक्टीरिया की बात बता रहे हैं, फाउंड इन एरियाज फ्रॉम द डेजर्ट टू ग्लेशियर्स टू सॉइल एंड हॉट स्प्रिंग, ये जनरलाइज्ड बात है साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो स्पीसीज है, टिपिकल स्पीसीज ग्लाइकोट्राइका की, वो ग्लाइकोट्राइका एक्यूनुलेटा क्या कहती है, अंडर दिस क्लासिफिकेशन कॉमनली फाउंड वेल मिक्स्ड मेसोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक लेक्स एट टेम्परेट लैटिट्यूड, इट्स लाइफ स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स हैविंग लाइफ स्टाइल, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे। देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कैसे करके लाइफ स्टेजेस, दोनों टाइप की लाइफ स्टेज पर एक पाई जाती है जो बेंथिक में रहती है, बेंथिक वाला बॉटम पाई जाती है, और दूसरी कौन सी लाइफ है जो पेलेजिक बॉटम डिफरेंट डेप्थ के वाटर कॉलम में पाई जाती है, तो इट मेक्स इट्स लाइफ साइकिल वेरी कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा टू स्पीसीज है यू प्लैंक्टोनिक्स, फ्यू स्पीसीज डेवलप पेरीफाइटिकली मतलब दूसरे एक्वाटिक प्लांट के सर्फेस पे, एंड कुछ स्पीसीज जिसकी समर्ज स्टोन पे पाई जाती हैं, बोर्ड पे पाई जाती हैं, बट लेटर सम टाइम लिबरेट फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट एंड फ्लो ऑन दिस सर्फेस, मतलब कुछ टाइम तक ये क्या होती है सबस्ट्रेटम से अटैच होती हैं, उसके एक टाइम के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो उसे रिलीज हो जाती हैं, और कहाँ जाती हैं वाटर की सर्फेस पे आ जाती हैं, एंड फॉर्मेशन कैसे करती हैं एल्गल ब्लूम्स का फॉर्मेशन करती हैं। सेवरल स्पीसीज जो होती हैं वो डेट्राइटस मेटाफाइटन की फॉर्म में रहती हैं, कहाँ स्वैम्प्स एंड रिजर्वायर्स विद अबंडेंट एक्वाटिक वेजिटेशन पाई जाती है, तो हर तरीके की स्पीसीज इसके पास होती हैं। अच्छा मेजॉरिटी ऑफ दी स्पीसीज जो ट्रॉपिक जो नॉर्डिक एशिया वहाँ पे ग्रो करती हैं एज फ्रेश वाटर प्लैंक्टन की फॉर्म में, जी टॉप अपीयर इन मैनी, अब नोटिस कर नई रिसर्च क्या बताती है, अभी ऊपर बताया था कि जो हाई मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट लेक्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है नॉर्मली, बट नई रिसर्च ये बता रही है ग्लाइकोट्राइका जो है मैनी रिमोट ओलाइकोट्रॉपिक लेक में भी अब नोटिस किया जा रहा है, इट इज़ न्यू रिसेंट बात है, ठीक है, इन कब लेट समर के सीजन में। नाउ थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
देखिए थैलस में बहुत इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है कि ये कहा जाता है फिलामेंटस कम कॉलोनियल एल्गा, ठीक, कैसे करके प्राइमरी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखेंगे तो ये हमें फिलामेंटस दिखाई देता है, मतलब इसके जो तो ट्राइकोम्स होते वो होते हैं और उन पर सीथ नहीं होती, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है ट्राइकोम्स प्लस सीथ तो ये क्या बनता है फिलामेंट बनता है, ठीक है। और फिलामेंट बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे तो ये बना देते हैं कॉलोनी। ओके भाई, तो प्राइमरी मॉर्फोलॉजी ट्राइकोमस होती है फिलामेंटस विदाउट सीथ, सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा कॉलोनियल। कॉलोनीज कैसी होंगी, वो ज्वाइंट होगी सबस्ट्रेट से और लैटर स्टेम क्या होती है फ्री फ्लोटिंग, मतलब सरफेस पे आके फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा पॉइंट, अब कॉलोनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि फाइनली तो मैच्योर स्टेम में कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी आईपीएस कैसे स्फेरिकल या टू हेमी स्फेरिकल एपिसॉइड एंड जिलेटिनस, ठीक है, चिकनी से उसके ऊपर एक म्यूचलेस लेयर होती है। ईच कॉलोनी फ्री मतलब उसको चाहता है बहुत ही दृढ़ मतलब स्थिर टाइप की लेयर जरूर पाई जाएगी एंड कंटेंट न्यूमेरिस, उसके अंदर फिर क्या होगा रेडिएटिंग फिलामेंट्स होते हैं जैसे लाइक दैट कॉलोनी है उसके अंदर रेडिएटिंग फिलामेंट ई सेंटर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे रेडिएटिंग फिलामेंट्स दिस मीन्स, एंड इस तरीके से क्या होता है एक ओरिजिन होती है फॉल्स ब्रांचिंग जिसमें ईच ब्रांच टर्मिनेट इंटू मल्टी सेलुलर कलरलेस हेयर, मतलब इसकी हर एक ब्रांच जो कॉलोनी की होती है जैसे लाइक दैट अगर हम ट्राइकोम की बात करें तो इस तरीके से ये ट्राइकोम जाता है, यहाँ इसकी ये हाइड्रोसिस्ट होती है बाद में ये आपका एक आइनिड बनती है और ये यहाँ पे जाके इसके हेयर्स बन जाते हैं, मतलब लास्ट डेवलपमेंट ही होता है। इसके बाद स्फेरिकल कॉलोनी ऑफ रेडिएटिंग ट्राइकोम्स स्ट्रेट स्टेंट, जो वो स्टेंट होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं विदाउट फर, उनके ऊपर कोई वो नहीं होता है, ठीक है। ट्राइकोम्स आर टैपर्ड, टैपर्ड का मतलब ये था कि इस तरीके से नीचे की तरफ ठीक ऊपर टिप टाइप हेयर्स, ये टैपर्ड कहलाते हैं इन एपिकल रीजन। लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है ट्राइकोम का गेट मॉडिफाइड इनटू बेसल बन पोल्ड हाइड्रोसिस्ट, कैसी होती है जो स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल राउंडेड भी कह सकते हैं इसे, और इसके बेस पे ट्राइकोम के नेक्स्ट टू द हाइड्रोसिस्ट क्या होता है हमने क्या बताया था सिंगल लार्ज एलोंगेटेड स्पोर, स्पोर का मतलब एकाइनिट, ये भी सेल होती है जो स्पोर का काम करने लगती है, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं एकाइनिट बोलते हैं एंड इट इज ए सोर्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दिस एल्गा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइकोम्स आर स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता लाइक दैट कॉलोनी है तो यहाँ से ऐसे निकलते हैं तो इस तरीके थोड़ा सा कर्व्ड भी होते हैं, ठीक है, स्लाइटली आर स्लाइटली कर्व्ड, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे थोड़ा सा कर्व एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ रो, जो आपका ट्राइकोम्स होता है उसमें सेल्स होती है, सिंपल सी बात है आपको बताया नहीं कि जे हाइड्रोसिस्ट हो गई जे काइनेट हो गया जे हार्मोगोनियस बनेंगे तो पूरा इसमें सेल्स होती हैं और सेल्स का नंबर जो होता है वो लगभग बैरीज करता है कॉलोनी में 40 प्लस 40 प्लस 5 मतलब 40 ऐसे होते हैं 41 42 40 55 तक इस तरीके से एंड अरेंज कैसे होता है रेडली, रेडली का मतलब लाइक दैट अभी बार बार बता चुके कहीं इस तरीके से आपको होता है इस तरीके से अरेंज होता है आपने देखा होगा जी इस तरीके से रेडली अरेंज होता है। ट्राइकोम्स यूनिसेरेट, यूनिसेरेट का मतलब ब्रांचिंग नहीं होती है, एक ट्राइकोम की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स लाइक दैट, ठीक है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल ऐसे करके अटैच होती है यूनिसेरेट विद इंटरकलेरी हाइड्रोसिस्ट, बीच बीच में इंटरकलेरी हाइड्रोसिस्ट बहुत रेयर केस में पाई जाती है, ठीक है, जो कब बनती है डिसोसिएशन बिफोर या ड्यूरिंग द ट्राइकोम, जब डिजॉल्व हो जाता है तब इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात अगर हम करें तो गाइस फिर से ये बात हम रिपीट कर रहे हैं गाइस, ट्राइकोम्स जो होता है वो हेट्रोपोलर, आपको बता दिया कि नीचे जो हेट्रोसिस्ट होती है और टॉप पे क्या होता है वो टॉप पे क्या होता है इसके हेयर्स पाए जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या बोला कि हेट्रोपोलर, और हेट्रोसिस्ट कहाँ होती है बेसल पे और टॉप पे क्या होते हैं इसके एंड्स होते हैं, पूरी सीथ में कवर्ड होती है और जो ट्राइकोम्स है वो रेडली होती है और उन पर जिलेटिनस आर हेमिस्फेरिकल कॉलोनीज, ठीक है, ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक होती है कॉलोनी मतलब काफ़ी छोटी होती है, बहुत गई तो सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर, कैसे कलर की होती है ओली ग्रीन येलो ग्रीन ब्राउन ग्रीन, मतलब क्योंकि ब्लू ग्रीन है तो सब कलर का मिक्सचर होता है इसमें। ट्राइकोम्स ऑलवेज ओरिएंटेड विद हाइड्रोसिस्ट इन द सेंटर ऑफ द कॉलोनी, ट्राइकोम्स रेयरली फॉल्स ब्रांच्ड ड्यूरिंग द ट्राइकोम डिवीजन, द ब्रांचेज सेपरेट फ्रॉम एंड फ्रॉम द अदर ट्राइकोम बट रिमेन पैरेलल एंड रेडली लोकेटेड विद इन द कॉलोनी स्लाइम एंड फ्रॉम देयर ओन जिलेटिनस, सिंपल सी बात है कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ट्राइकोम जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल बल्कि रेडली ही लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे कॉलोनी में और अपनी खुद की जिलेटिनस सीथ का फॉर्मेशन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्स ऑफ द ट्राइकोम आर ब्रॉड, सेल जो होती है ट्राइकोम की वो चौड़ी होती है काफ़ी बेस के पे, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो सेल्स कैसे हो जाएंगे स्मॉल साइज़ के अपर साइज में जाएंगे और वो टर्मिनेट होंगे इन लॉन्ग
मल्टी सेलुलर, देखो हेयर जो है वो मल्टी सेलुलर है एज डिजिटल है और कलरफुल भी है, कलरलेस है, कलरलेस मल्टी सेलुलर हेयर्स भी एक मतलब मल्टीपल सेल जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं उनके बने होते हैं। और एक पार्टिकुलर ट्राइकोम की बात करें तो उसमें एक या दो हाइड्रोसिस्ट लोकेटेड हो सकती हैं ग्रह पे आदि ट्राइकोम्स, जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। अच्छा, जो सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं और जिनकी जो थिकनेस अगर हम बात करें 5 to 7 माइक्रोमीटर होता है, इसीलिए वो कहलाती हैं आपकी कलर कहते हो डार्क ब्राउन और अपीयर ग्रेनुलर, मतलब पूरा जो ट्राइकोम होता है कैसा अपीयर होता है हमें ग्रेनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस वेसिकल, ध्यान रखना है गैस वेसिकल का बहुत रोल है यहाँ पे। और इसी की वजह से गैस वेसिकल की प्रेजेंस की वजह से ये जो होते हैं फ्लोट करते रहते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बॉडीज़। और इनका जो अगर हम इसकी डायमीटर की कंपेयर करते हैं तो किससे कहते हैं स्पाइडर सिल्क, ठीक है, और वो कितना होता है अबाउट 5 माइक्रोमीटर वाइड होता है, सो इट इज नोन एज स्पाइडर सिल्क एल्गी। यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो सेल्स आर लॉन्ग रैपिड अनवरांज फिलामेंट दैट रेडिएट फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन टू फॉर्म डेंस स्फेरिकल कॉलोनी। फिर एक जनरल टाइम बात कर दिया, टोटल बता दिया यहाँ। अच्छा, कुछ इसकी जो प्लैंक्टोनिक स्पीसीज होते हैं उनके टॉप पे हमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं एरोटॉप्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये डिस्टिंक्ट मेरिस्टेमेटिक जोन भी होता है, देखो इसे भी आप देख लेंगे, मतलब जो हमने पूरा ट्राइकोम बनाया लाइक दैट, तो इसका जो ऊपर वाला रीजन होता है हेयर से नीचे जस्ट, तो ये वाला जो रीजन है बहुत ही स्मॉल स्मॉल सेल्स होती हैं और जो ग्रोथ करता है ये अलग इसी रीजन के थ्रू करता है, दिस रीजन इज नोन एज हाइड्रोसिस्ट। यहाँ पे आपका ये हो जाता है, ये आपकी काइनेट हो जाती है और ये वाली जो सेल्स होती हैं वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है इसके थ्रू ही डिवीजन होता है और इसके थ्रू ही ग्रोथ करता है। और ग्रोथ कैसी होती है, ट्राइथैलिक ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि तीन टाइप की ग्रोथ होती है, देखिए एक ये, दूसरी काइनेट और तीसरी वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, इसलिए बोला जाता है ट्राइथैलिक, मतलब थैलस मेड बाई 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आपके हाइड्रोसिस्ट, एकाइनीट और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जोन जो बेसल रीजन के जस्ट नीचे होता है उसी में जो वेजिटेटिव सेल होती है उनकी शेप कैसी होती है, बैरल से, बैरल का मतलब लाइक दैट, ऐसे करते बनाती है, ये बैरल शेप्ट होती है, दूसरी सेल इसी के ऊपर ऐड हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है ना। जो कवरिंग होती है सीत वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है, जो सीत म्यूचुलेशनल लेयर होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है, बट सम टाइम कुछ केसेज में देखा गया वो जिलेटनाइज कर देती है विद इन द म्यूचुलेज ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनी का जो म्यूचुलेज होता है उसके साथ, और स्पेशली उस केस में जो एपिकल पार्ट होते हैं मतलब दोनों साइड के ये पूरा ट्राइकोम के ये वाले पार्ट और इधर वाले एपिकल पार्ट ट्राइकोम नियर द मार्जिन ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, वहाँ पर ये अपीयर होते हैं। अच्छा, जो सेल डिवीजन कॉन्सेप्ट है वो परपेंडिकुलर होता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ए ट्राइकोम, यूजली इन मेरिस्टेमेटिक जोन में तो होता ही है, खैर पर वो भी बता दें, जो अगर हम ट्राइकोम के लॉन्ग एक्सिस देखें तो वो आपका डिवीजन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें गाइस तो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और रिप्रोडक्शन होता कैसे है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हार्मोगोनिया और एकाइनेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जिसमें हार्मोगोन एकाइनेट फॉर्मेशन जो है रिप्रोडक्शन के अलावा पेरिनेशन का मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी सोर्स होता है। तो हार्मोगोनी जैसे आप जानते हैं, जैसे जनरल हमने पढ़ाया था नॉस्टॉक में एसिड वैसे ही होता है सिंपल सा, इट फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्राइकोम, ठीक है, कंपोज ऑफ फ्यू सेल्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर हार्मोगोनिया बनती है। एकाइनेट क्या है, एक इलांगेटेड थिकवाल्ड सेल होती है, कहाँ बिल्कुल जस्ट अबव द राउंडेड बेसल हाइड्रोसिस्ट के ऊपर ही, मतलब बंदे हाइड्रोसिस्ट नीचे होता है जैसे मैंने बताया नहीं, थैलस लाइक दैट हाइड्रोसिस्ट, ये आपके एकाइनेट, और इसके बाद जो जो ठीक है हाइड्रोसिस्ट के ऊपर होता है हार्मोगोनिया, बीच में जो आपके वेजिटेटिव सेल्स होती है उनके बीच में कहीं भी इंटरकलेरी बन सकती है, और जो एकाइनेट होती है वेरी मच रेजिस्टेंट फॉर द कोल्ड एंड जो भी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, कोल्ड के लिए उन्होंने बताया एंड दूसरा अदर एनवायरमेंटल जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उनके लिए। इसके अलावा एकाइनेट यूजली प्रोड्यूस नियर द एंड ऑफ ग्रोइंग साइकिल, एक इंपॉर्टेंट बात है, एकाइनेट कब प्रोड्यूस होती है, जो ग्रोइंग साइकिल का एंड होता है उस टाइम प्रोड्यूस होती है, एंड कैन ओवर विंटर इन लेक सेडिमेंट्स, जो लेक सेडिमेंट की बात करें लेक वाले एरिया में तो उनमें ही ओवर विंटर पूरे जाड़ो भर मतलब पूरे होल विंटर सीजन में ये ख़राब नहीं होती, कहने का मतलब थैलस में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट स्टिमुलेट द एकाइनेट फॉर्मेशन, लाइक जैसे कि आपका ग्रे लाइट, ग्रीन लाइट का इफेक्ट अलग अलग होता है, डिफरेंट फैक्टर लाइक जो ट्रिगर्स करते मतलब स्टिमुलेट कर देते फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एकाइनेट, तो इसमें आपके लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक फास्फोरस एंड सोडियम क्लोराइड्स एंड कार्बन नाइट्रोजन रेसिड्यू भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब है कि इस एल्गा का
एल्गोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का, एकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि इसकी जो कॉलोनी जहाँ बनाता है वो जनरली डिस्क्राइब प्लैंकटोनिक होती हैं, और स्टार्ट कहाँ से होती है, ऑन दी बॉटम पे ऑफ ए लेक, फिर हल्कल के कहाँ पर आती हैं, इनकी जो बॉयंट क्वालिटी है उसकी वजह से ये सरफेस पे आ जाती हैं, जब मैच्योर होती हैं तो सरफेस पे आ जाती हैं, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट होकर सरफेस पे आती है। इसके अलावा कह रहा है जो आपका जो ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है वो कब करता है, ड्यूरिंग दी बार्निंग सीजन, मतलब समर में, और काम वाटर इन लेक एंड पॉन्ड्स आर रिलेटिवली हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है, तो ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए ब्लूम्स कुछ नहीं है, ब्लूम्स इसकी रिप्रोडक्शन के बाद जो बहुत तेज़ रैपिड ग्रोथ का जो रिजल्ट है, जो इनकी नंबर बहुत बढ़ जाती है, तो वो एक पपड़ी की तरह एक, ठीक है, वाटर सरफेस पर तैरने लगती है। और ये जब रैपिड जो रिप्रोडक्शन होता है तो होता किस कंडीशन में, तो उस कंडीशन की बात कर रहा है कि मौसम में गर्मी होना चाहिए, बाहर मुझे मौसम बिल्कुल शांत काम कंडीशन, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन में अवेल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कोई बात, मतलब फूड स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फूड बहुत ज़्यादा स्टोर होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इसके अलावा तो अगर हम बात करें टोटल नाइट्रोजन और टोटल फॉस्फोरस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बेटर प्रिडिक्टर्स है आप ब्लूम फॉर्मेशन देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस रेशियो। देखो दो चीज़ें, एक नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिंपल रेशियो, एक दूसरा है कि टोटल नाइट्रोजन और टोटल फॉस्फोरस के जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो है, अगर उसके भी आप पे हम ब्लूम फॉर्मेशन कितना होगा, कौन सा एल्गी कितना ब्लूम फॉर्मेशन करेगा, तो हम किसी वाटर बॉडी में टोटल नाइट्रोजन और टोटल फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को देख के ये आइडिया करा सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू सिंपल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रेशियो के बेहतर, मतलब जो टोटल नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, ये आइडिया करने के लिए कि ब्लूम्स का फॉर्मेशन कितना होगा उसके एक्सटेंट को पता कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसके अलावा जो गैस वेसिकल्स पाई जाती हैं सेल के, हम वो इसे क्या प्रोवाइड करती हैं, जो मूव अप एंड डाउन इन द वाटर कॉलम में ऊंच नीचे मूव करता है, जो उसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो वायंसी गैस वेसिकल होती हैं मेक द एल्गा एसिड टू द न्यूट्रिएंट एंड अदर ग्रोथ फैक्टर, कि बहुत आसानी से जो एल्गी होता है इन बेसिकल की वजह से अपने न्यूट्रिएंट को और दूसरे ग्रोथ फैक्टर को ऑप्टेन कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब वाटर कॉलम में डिफरेंट टाइप के पेलेजिक जोन्स हैं उनमें बहुत ईजिली से मूव कर सकता है, कभी अपर आएगा कभी नोअर, मतलब उसको कोई बाउंड्री से नहीं कि वो केवल सर्विस पर ही रहे या बॉटम पर है, वो ईजिली मूव कर सकता है डिफरेंट डेप्थ ऑफ दी वाटर कॉलम, सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अदर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल वेरी इजिली अवेलेबल ड्यू टू दिस क्वालिटी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि जो ग्लूकोटाइड का कैबल कन्वर्टिंग, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, जो डिजॉल्व नाइट्रोजन गैस होती है उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और इस क्वालिटी की वजह से इट इज़ डोमिनेंट इन दी जिस वाटर बॉडी में पाया जाता है बहुत जल्दी डोमिनेंट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से दूसरे जो वहाँ पे फ्लोरा होता है उसे बहुत ईजिली कम्प्लीट करता है, एंड थ्रू दी सिक्रीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, मतलब बाई एल्गल ब्लूम्स इट एक्सक्लूड द अदर काइंड ऑफ प्लांट फ्रॉम दी वाटर बॉडीज एंड कम्प्लीटली डोमिनेंट दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स ए लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आने के लिए जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन और जो इसके जो ब्लूम्स बनते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी स्पीशीज होती है ग्लाइको इनिकुलेटा, वो यूजली कंटेन अदर टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया को भी, मतलब उसके साथ उसके एसोसिएशन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूटामेट में प्रोड्यूस माइक्रोसिस्टिन, कुछ टॉक्सिन से प्रोड्यूस करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोसिस्टिन्स LR, एक ध्यान रखें इसे, मैंने इसे बताया माइक्रोसिस्टिन LR जो कि लिवर टॉक्सिन होती है। इसके अलावा लाइपोपॉलीसेक्राइड जो स्किन इरिटेंट का काम करते हैं, ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं, जो रिलीज होते हैं जब सेल इसकी जो ब्रेक डाउन होती है उनकी लाशेज होती है, तो ये केमिकल्स जो हैं रिलीज होते हैं वाटर बॉडीज में। इसके अलावा माइक्रोसिस्टिन जो होती हैं वो रैपिडली डिग्रेड हो जाती हैं बहुत तेज़ी, किसके थ्रू, जो बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ पाए जाते हैं उनके थ्रू, ठीक है। अगर बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे तो ये जो हमारी केमिकल्स हैं, मतलब माइक्रोसिस्टिन, ये परसिस्ट होंगे किसमें, हमारी इन्वायरमेंटल एक्वाटिक इन्वायरमेंटल में और फूड चेन में इंटर कर जाएंगे फॉर सेवरल मंथ। इसके अलावा हाई वाटर टेम्परेचर एंड लाइट, ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब इसकी टॉक्सिन प्रोडक्शन में मतलब डिटर्मिनेंट है कि कितनी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, कि हाई वाटर टेम्परेचर और लाइट का जो बहुत इंपॉर्टेंस है टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट में बात करें, जिस कम्युनिटी में रहता है वहाँ उस कम्युनिटी की जो स्टेबिलिटी होती है, उसकी नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसे बढ़ा देता है, ठीक है। बताया कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस सप्लाई करता है दूसरे के में। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्टर्स है, बिकॉज दे आर कैन एग्जर्ट लार्ज एंड परसिस्टेंट इफेक्ट ऑन दी
बायोमास एंड कंपोजिशन ऑफ द अदर फाइटोप्लैंक्टन। इस डायग्राम से आप देख रहे हैं गाइस किस तरीके से ये सपोर्ट करता है। देखिए इसकी ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में बहुत सारा इन्हें नाइट्रोजन फास्फोरस जो स्टोर करके रखा हो, फिर ये नाइट्रोजन फास्फोरस इस तरीके से किसे दे देता है, इन जो दूसरे जिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रह रहा है वहाँ पर दूसरे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, दूसरे जो एल्गी हैं, दूसरे जो डायटम्स हैं, जो भी हैं उन्हें सबको देता है और वहाँ के जो उनका वॉल्यूम्स बढ़ा देता है और इस तरीके से अपनी पूरी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लेता है, क्योंकि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर्स होता है। ठीक है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गा, एंड सो थैंक यू वेरी मच गाइज़।